आज मैं आपको एक सुंदर टॉप डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए कटिंग करते हैं। और कटिंग करने से पहले आप अपनी बेल बटन को जरूर चेक कर लें, जल्दी ही आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है। तो कपड़े को पहले सीधा रखना है और उसको उल्टा कर दिया। मैं इस टॉप को कुर्ती के बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ, आप कोई से भी कपड़े से बना सकते हैं। अब साइज के हिसाब से इसको फोल्ड करना है। जितने साइज का आप बना रहे हैं उसका चौथाई भाग लेना है और मार्जिन को बढ़ाते हुए आपको कपड़ा देख लेना है। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे 1 इंच नीचे से एक मार्जिन। तो ये हो गया मार्जिन का। उसके बाद लेना है आपको लंबाई। तो आप जितनी लंबाई का बना रहे हैं उतना आपको निशान लगा देना है और ऊपर की साइड मार्जिन लेना है। तो जैसे इसको बनाना है 20 इंच का, आधा इंच लेंगे ऊपर की साइड मार्जिन। इस लाइन को सीधा करेंगे। अब निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर इसमें नॉर्मली रखना है, इसमें गला दोनों साइड खुला हुआ रहेगा। तो नॉर्मली शोल्डर है इसका 5 इंच। 2 पॉइंट लेंगे मार्जिन का। आर्म होल की लंबाई लेना है तो आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। अब इस निशान को सीधा करेंगे। ऊपर से एक निशान लगाएंगे कमर की साइज का, ठीक है। तो ये निशान लगा दिया हमने 12.5 इंच पर और इसको सीधा कर देंगे। यहाँ पे कमर का चौथाई भाग रखना है। जैसे कमर 28 इंच है तो उसका चौथाई भाग आएगा 7 इंच। अब आपको हिप्स का निशान लगाना है। हिप्स 34 इंच है तो उसका चौथाई भाग आएगा 8.5 इंच। अब इन निशानों को मिलाना है और मैं आपको बता देती हूँ कि ये पीछे का पार्ट है, पहले पीछे का निकाल रहे हैं बाद में आगे का निकालेंगे। हल्की सी गुलाई देते हुए इस निशान से मिलाना है। अब यहाँ पे मार्जिन लेना है तो 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, 1.5 इंच का इधर और 1.5 इंच का इधर। इन लाइनों को मिलाएंगे, इन निशानों को मिला देना है। अब निशान लगाना है गले की साइज का। तो इसके गले का निशान लगाएंगे 2 इंच 2 पॉइंट पर। लंबाई में रखेंगे 6.5 इंच। तो ये निशान लगा दिया हमने 6.5 इंच का। आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन में जाएगा और 2 पॉइंट नीचे की साइड दबेगा। अब इस निशान को सीधा करेंगे। गले को आप गोल भी कर सकते हैं और चौकोर भी कर सकते हैं, तो इसको हम चौकोन ही बनाएंगे। अब यहाँ पे गहराई देना है। तो गहराई आपको वैसे ही देना है 1 इंच के हिसाब से। इस लाइन से 1 इंच ऊपर रखना है और गुलाई दे देना है। अब इसी निशान पर आपको कटिंग करना है। इस तरह कट लगा देना है। तो ये पीछे का पार्ट कट गया है, अब हमें आगे का पार्ट निकालना है। तो कपड़े को डबल में रख दिया है। उसके बाद पहले बॉक्स प्लेट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। यहाँ पे बॉक्स प्लेट 8 इंच की बनाएंगे। तो 8 इंच कपड़े को यहाँ पे रखना है। ये निशान 8 इंच पे लगा दिया है। तो आप जैसे साइज बढ़ाते हैं, 40 की बना रहे हैं या 38 की बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेट के लिए भी आप साइज बढ़ा लीजिए। 1-2 इंच की आप साइज बढ़ाएंगे। यहाँ पे इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस लाइन के बाहर के कपड़े को छोड़ देना है। अब यहाँ पे पार्ट उठा के रखेंगे। तो पीछे के पार्ट को उठाया और इसके ऊपर रख दिया। ये
इसमें बिल्कुल बराबर इस तरह आपको मिला देना है। लाइन के बाहर पार्ट को रखना है और बराबर मिलाकर कटिंग कर लेना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, तो गले की कटिंग को छोड़ देना है और बाकी कटिंग करके सेम निकाल देंगे। अब आपको कमर के निशान से 2 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, तो इस निशान से 2 इंच ऊपर एक निशान लगा दिया और इसको हटा देंगे। अब हमें पहले सिलाई इधर से इधर तक डालना है और यहाँ पे मशीन को रोक देंगे। सीधी सिलाई लेना है और यहाँ पे रोक देंगे। तो सिलना शुरू करते हैं, गले की कटिंग हम प्लेट बनाने के बाद करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए सिलना शुरू करते हैं। तो यहां से हमने सीधी सिलाई डाल दी है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे एक कट लगाना है। अब इधर से ही इसको पकड़ना है और इस तरह खोल देना है और इस कट को इस सिलाई से मिला देना है। इसको शोल्डर के कपड़े को भी खोलना है, इसको इस तरह फैलाना है और इस प्लेट को पकड़ेंगे, कट से सिलाई को मिला दिया। तो इस तरह ये बॉक्स प्लेट बनकर कंप्लीट हो गई है। तो ये आगे से एकदम कोटी की तरह दिखेगी आपको। अब यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं। अब आपको आगे से दिखाते हैं। तो ये आगे से इसका लुक इस तरह का आएगा। तो ये आगे से बिल्कुल कोटी की तरह दिखेगी आपको, बहुत सुंदर लगेगी। अब क्या करना है, अब इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने पहला गले की कटिंग की थी उस कपड़े को आपको संभाल के रखना है, जब तक आप आगे की गले की कटिंग नहीं कर लेते हैं। ये पीछे का गला है उसी को इसके ऊपर रख देंगे। तो इसका भी सेंटर देखना है आपको, बराबर मिलाएंगे और इस सिलाई के सेंटर से इसको रखेंगे। इस तरह मिलाइए और इसकी कटिंग कर देना है। इस तरह गले की कटिंग कर दी है। तो इस तरह कटिंग करने के बाद इसमें जगह जगह पिन लगाकर इसको रोक कर रखना है। आप चाहो तो कच्चे धागा से भी इसको रोक सकते हो। इस तरह हमने गले को संभाल के रख दिया है। अब इसी गले के हिसाब से पट्टियां निकालेंगे। तो गले की पट्टियों के लिए मैं प्लेन कपड़ा यूज कर रही हूँ, आप कोई से भी कपड़े का बना सकते हैं, मतलब सेम कपड़े से भी बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ पट्टियां तिरछी निकालना है आर्म होल के लिए, और गले को हम सेम रखकर निकालेंगे। तो कपड़े को डबल रखा, उसके ऊपर इसको रख दिया है। पहले आपको बराबर निशान लगा लेना है गले के सेम आकार से। अब 1.5 इंच का फर्क इधर रखना है, 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन लेती हुई आप निशान लगा लीजिए। इस तरह हम चौकोर कपड़े को निकाल लेंगे। इस तरह गले की दोनों पट्टियों को एक साथ निकाल लिया है। तो एक साथ हमने दोनों पट्टियों को निकाल दिया। उसके बाद तिरछी पट्टी निकालना है। तो स्केल को तिरछा रखा और 1.5 इंच के हिसाब से निकाल लेंगे। इस तरह हमने गले के लिए पट्टियां निकाली हैं और आर्म होल के लिए। तो पहले हम गला बनाएंगे और फिर आर्म होल। इसको सीधा रखना है और गले की पट्टी को उल्टा रखना है। इस तरह कॉर्नर से मिलाएंगे और बराबर मिलाते हुए रख देना है।
इस तरह मिलाकर रखना है। उसके बाद एक यहाँ पे पिन लगा लीजिए और एक एक यहाँ पे लगा लीजिए, जिससे पट्टी रुक जाएगी। तो इसी पिन को निकाल लेते हैं। मिलाते हुए दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई चौकोन ही घुमा देना है। तो इस तरह हमने इस पे सिलाई डाल दी है। उसके बाद पिन को निकालना है। पिन को निकाल दिया है, अब यहाँ पे कट लगाना है। तो कॉर्नर को इस तरह पकड़ेंगे, सिलाई को बचाते हुए कट लगा देना है। तो दोनों साइड इसी तरह कट लगा देंगे, इस तरह पकड़ा, इस तरह कट लगा दी है। उसके बाद पट्टी को पीछे की साइड पलट देना है, अच्छे से दबाएंगे। और इसको पलट देंगे तो पूरी पट्टी को पीछे की साइड लाना है आपको अच्छे से। तो पट्टी को पूरा पीछे की साइड लाना है अच्छे से कि पट्टी का कपड़ा आगे की साइड बिल्कुल ना दिखे। तो इस तरह आपका गला बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को आधा इंच पहले दबाना है, इस तरह दबाएंगे। अब इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे, इस तरह कपड़े को दबाते जाना है और इस पे सिलाई चलाते जाना है। संभालते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इस सिलाई अभी कच्ची रहेगी, उसको निकालेंगे और फिर इस पे तुरपाई कर देंगे। तो आपको इसके बीच में एक सिलाई डाल देना है। इस तरह गला बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप थोड़ी सी प्रेस कर देंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ ये परफेक्ट बन जाएगा। अब इसी तरह गला हमें पीछे का बनाना है, इसी तरह गला आपको पीछे का बनाना है। तो आइडिया सेम रहेगा। तो यहाँ तक हमने सिलाई को नहीं डाला है, इतने में सिलाई को डाल के कम्प्लीट किया है। तो इसको मैंने इसलिए छोड़ा है कि पट्टी ज्वाइंट करते समय कई लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको उठाएंगे और आगे के पार्ट को सीधा रखेंगे। इसको सीधा रख दिया और इसको उल्टा रखेंगे, इस तरह बराबर से मिलाएंगे। इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह पलटना है आपको, बराबर मिलाते हुए इस तरह पलट देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो सिलाई जहां से डली है, इस पट्टी को सिलाई के पास रखना है और इस तरह इसको पलटेंगे और मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देंगे। तो इस कपड़े को बस पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए सिलाई चला देंगे। तो इस तरह पट्टी को दबाते हुए सिलाई डाल दी है, अब इसको पकड़ेंगे और इस तरह खींच देंगे। तो ये पट्टी पूरी तरह से इसके अंदर दब जाती है। तो एक कंधे का जॉइंट इस तरह आपको लगाना है, इसी तरह जॉइंट हमें दूसरा लगाना है। तो इसी तरह हमने दूसरा भी जॉइंट लगा दिया है। उसके बाद अब आपको आर्म होल तैयार करना है, इसको सीधा रखना है और पट्टियों को तैयार करना है। तो एक पट्टी को आपको सीधा रखना है और दूसरी पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखना है, इस तरह मिलाकर रखेंगे और दो पॉइंट की सिलाई चला देंगे। इस
इस तरह सिलाई को डाल दिया है। उसके बाद इस जॉइंट को इस तरह रखेंगे और इस कपड़े को दोनों भाग में बांट देंगे। इसी जॉइंट से कपड़े को फोल्ड करेंगे और अच्छे से दबा देना है। इस तरह आपकी पट्टी तैयार हो जाएगी। उसके बाद एक साइड इसकी सेटिंग करना है। बराबर मिला के रखेंगे और दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाते जाएंगे। मिलाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। किसी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बस मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको सिलाई डालना है। उसके बाद जो भी कपड़ा बढ़ता है उसको काट के निकाल देंगे। अब गुलाई में आपको कट लगा देना है, तो इस तरह कट लगा देंगे। सिलाई का आपको ध्यान रखना है और कट लगा देना है। अब इस कपड़े को पीछे की साइड ले जाना है। इस तरह कपड़े को करते जाएंगे और किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे। कपड़े को पीछे की साइड और किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे, संभालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो सिलाई आपको किनारे से डालना है। इस तरह हमने आर्म होल में पट्टी लगाकर तैयार कर दिया है। इसी तरह पट्टी आपको दूसरे आर्म होल में लगाना है, तो आइडिया सेम रहेगा। तो दोनों आर्म होल तैयार हो गए हैं। अब आपको पीछे का पार्ट उठाना है और इसके ऊपर पलट देना है। इस निशान को डार्क करना है पहले और इस तरफ पलट कर निशान इस तरफ लाना है। मिलाते हुए अच्छे से दबा देना है, तो ये निशान इस तरफ भी आ गया है। इस निशान को डार्क करेंगे और इसी के ऊपर सिलाई चला देंगे। इसी के ऊपर सिलाई चला देना है। तो दोनों को बराबर से मिलाना है और इसी निशान के ऊपर सिलाई चला देना है। तो दोनों को मिलाते हुए सिलाई डाल दी है। उसके बाद इसको सीधा करना है। इस तरह आपको टॉप बनाना है। अब इसमें आपको बटन या लटकन अपने पसंद के लगा देना है। जैसे मैं यहाँ पे इन लटकन को लगा देती हूँ। तो एक आपको इधर रखना है गले के पास और दूसरा इस सिलाई के जॉइंट के पास। इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको अपने पसंद से लगाना है। अब नीचे की साइड आपको बस सिलाई डालना है। कपड़े को एक बार फोल्ड किया और फिर दूसरा फोल्ड कर दिया, तो इस तरह कपड़े को दबाएंगे और पूरे में सिलाई घुमा देंगे। तो अब आप बनाइए और ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।